कुल्लू जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को ग्रहण लग गया है। नगर परिषद कुल्लू व नगर पंचायत भूंतर में गंदगी के ढेर हर किसी का मुंह चिढ़ा रहे हैं। यहां पर पिछले एक माह से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और कूड़े के ढेर से बदबू फैलने के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीमारियां फैलने का भी अब खतरा बना हुआ है। कुल्लू व भूंतर शहरों में एक माह से अधिक समय से जमा कूड़े के ढेर से फैली बदबू और गंदगी से लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इसके चलते बच्चों और बुजुर्गों को अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। शहर में पसरी गंदगी से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि नगर परिषद कुल्लू व नगर पंचायत भूंतर और जिला प्रशासन पर उचित कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को गंदगी से निजात मिल सके। एक महीने से ये कूड़ा है पड़ा हुआ यहाँ पे, मतलब वो उठाते ही नहीं है कूड़ा, बार बार गाड़ियाँ लेते हैं यहाँ पे फेंकते हैं। यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब गाहक भी उतने नहीं आते, इतनी समय लाती है। चाय की कैंटीन है मेरी यहाँ पे, क्या दिक्कत आ रही है? मतलब यहाँ से ऐसी बदबू आती है ना जिससे कि बहुत परेशानी आती है हमारे को, और कस्टमर भी बैठते नहीं है, पता है यहाँ से बदबू आ रही है, मतलब चाय पानी नहीं पीते हैं लोग। और ऑफिस वाले भी है, BSNL वाले, ये भी मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पे कूड़ा फेंकने मत दो, तो रात को आके फेंकते हैं। बहुत प्रॉब्लम आ रही है इससे, लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब बीमारियाँ फैल सकती है। आप इसको मतलब जल्दी से जल्दी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है ये कमेटी ऑफिस से जो भी है जैसा भी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत सुंदर स्वच्छता अभियान चलाया था, लेकिन वो कितना कारगर साबित हो रहा है, लेकिन है तो अच्छा, लेकिन कुछ लोग जो है या कई कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो शहर कुल्लू को सुंदर बनाने के बजाय और उसको गंदगी का ढेर में बदलना चाहते हैं। लेकिन यही एक उदाहरण है, पोस्ट ऑफिस है जिला का, मुख्य डाकघर है, उसके सामने जो है लोग जो है कचरा फेंकते हैं, और जब आते जाते जब हम उधर से आते जाते हैं और उसको वहाँ से दुर्गंध निकलती रहती है, और वहाँ उससे पता लगता है कि मुख्य प्रधानमंत्री का जो एक अच्छा कार्य है स्वच्छता अभियान, उसको धक्का पहुँच रहा है। वहीं हाईकोर्ट ने डंपिंग मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासन को डंपिंग साइट चिन्हित कर लोगों को समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए हैं। SDM कुल्लू अमित गुलेरिया ने कहा कि NGT ने 2 जनवरी के बाद पीरीडी की डंपिंग साइट बंद कर दी थी, जिसके बाद 2016 के बाद वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के मुताबिक ट्रीटमेंट साइट के तौर पर शहर में कूड़ा निष्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगघाटी बजौरा तक डंपिंग साइट के लिए पंचायत ने NOC नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने हाईकोर्ट को 4 बीघे से अधिक भूमि की एक साइट चिन्हित कर भेजी है, और जैसे ही हाईकोर्ट से निर्देश आएंगे उसके बाद डंपिंग साइट तैयार कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल नगर परिषद कुल्लू और नगर पंचायत भूंतर में अस्थायी तौर पर ट्रीटमेंट साइट तैयार कर कूड़ा निष्पादन किया जा रहा है। पीरीडी की साइट जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है बंद कर दी गई थी 2 जनवरी के बाद, तो उसके बाद निश्चित रूप से ये समस्या है, क्योंकि हमारे पास कोई मेजर जो हमारी डंपिंग साइट तो नहीं कहेंगे ट्रीटमेंट साइट, क्योंकि 2016 के जो वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स हैं वो कहते हैं ट्रीटमेंट साइट, तो हम एक मेजर साइट की तलाश में हैं 3-4 बीघे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने काफ़ी प्रयास किए डूगीलग से लेकर बजौरा तक, अलग अलग पंचायतों में हमने जगह तलाश करने की कोशिश की कि एक मेजर चंक ऑफ लैंड हमें मिल जाए जहां हम ट्रीटमेंट प्लांट जो है लगा सके, लेकिन किसी भी पंचायत से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। अब जैसे माननीय हाईकोर्ट में भी ये मुद्दा चला हुआ है, उन्होंने सुओ मोटो इसको लिया हुआ है, तो उनके निर्देशानुसार हमने जो सबसे फिजिबल लैंड है जो कि सारे मापदंडों पे सही बैठती है, जो कि 2016 के नियम है, वो सिलेक्ट करके हमने माननीय हाईकोर्ट में दे दी है, क्योंकि लोगों की ऑब्जेक्शन है, तो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा ही इस विषय में जो है आगे कोई जो है ऑर्डर जो है वो आदेश जो है पारित किया जाएगा। इसके साथ ही तब तक जैसे मार्च तक हमारे पास 2-3 महीने का बीच में समय है, तो इसके लिए हमने टेम्प्रेरी सॉल्यूशन जो है कुल्लू और भूंतर दोनों में निकालने का प्रयास किया है। इन दोनों के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो कमेटी के मेंबर्स हैं नगर पालिका के और MC कुल्लू के, उनके साथ बैठ के हमने अलग अलग जो है एक डंपिंग साइट्स जो हैं या जिनको MRF मटीरियल रिसोर्स फैसिलिटी कहा जा गया है 2016 के नियम में, उनको चयनित किया गया है, और वहाँ जो है जो हमारा शहर का कूड़ा है अलग अलग जगह से उठा के वहाँ जो है हम इसको डालेंगे और वहाँ गीला। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।